तेरे ही शहर में तुझे सरहद दिखाएगी, तेरे ही शहर में तुझे सरहद दिखाएगी, कभी खाकी से पूछना तुझे सब बताएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। शहर के सितारे इस प्रोग्राम के तहत आपकी मुलाकात, आपको रूबरू हम कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम जिले में आज एक परिभाषा, एक अपवाद के तौर पर लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शांति सौहार्द के मिसाल, और सबसे बड़ी बात जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिनके आने से लोगों में सुकून आया है, हमारे आदरणीय और सम्माननीय एसएसपी मनोज कुमार से आपको रूबरू कराएंगे हम आज। तो आइए मिलते हैं सर से। नमस्कार सर, सिटी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सर। दरअसल आप एक परिभाषा रहे हैं, और जिस तरह तेज तर्रार तरीके से इस तरीके से आपने पुलिसिंग करी है, और पुलिसिंग का जो बेस्ट परिभाषा यहाँ लोगों को दिया है, यहाँ के लोगों को, या फिर मतलब यूं कहें कि मतलब भारत में, भारत स्तर पे, देश स्तर पे लोगों को एक बहुत बड़ा मतलब ये मिला, मिसाल मिला है, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का कि मुझे यहाँ पर काम करने का मौका दिया है, और यहाँ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने है जो विश्वास किया है, और जो कुछ भी पिछले एक महीने में काम हुआ है उसको सराहा है। तो इस समर्थन के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और अगर ये समर्थन रहेगा, विश्वास रहेगा, और यहाँ के डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो सहयोग करेंगे, तो चीज़ें अच्छी होती जाएंगी सर। सबसे बड़ी बात कि जैसे ही कोई बच्चा बड़ा होता है, उनके आंखों में सपने होते हैं, उनकी आंखों में सपने होते हैं उन परिवार के उस माहौल से जुड़ा हुआ, उनकी आंखों में सपने होते हैं उन शिक्षा से जुड़ी हुई जो उनको मिलती हैं बचपन से लेकर और उस उम्र तक जहां तक वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। आपका शिक्षण जो बचपन रहा है वो कैसा रहा है सर? देखिए, बचपन तो गाँव में गुजरा, और छठवीं क्लास से नवोदय विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ, नवोदय विद्यालय जेठियन गया, वहाँ से दसवीं क्लास तक किया हम लोगों ने, उसके बाद बारहवीं बीएन कॉलेज पटना से किया, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हमने की है, और उसके बाद फिर सेवा में आए। इसके लिए सर शुरू से ऐसा ड्रीम था कि आपको आईपीएस ही बनना है, या फिर मतलब इंसिडेंटली ऐसा कुछ हुआ उसके बाद आप प्रेरित हो गए कि आपको आईपीएस बनना है? निश्चित रूप से एक तैयारी थी, अदरवाइज दिल्ली जाना नहीं होता। 12वीं करने के बाद 12वीं साइंस से किया हमने, और उसके बाद आर्ट्स पढ़ने की ठानी, तो निश्चित रूप से लक्ष्य सिविल सर्विसेज था, तो ये एक साया च्वाइस था जिसमें है जो मेहनत से और ईश्वर की कृपा से सफलता मिली। सर सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से हम लोग ये सोचते हैं आईपीएस आईएएस और खासकर यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए डेडिकेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो सबसे बड़ी बात इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, परिवार में या फिर परिवार से बाहर? बिल्कुल, जो बच्चे के दिमाग में सपने पलते हैं और जो आदर्श का एक जो आकार आता है वो परिवार से, स्कूल से, गली और मोहल्ले के माहौल से, अपने साथियों से जिसकी संगति में रहता है, सभी का एक योगदान होता है। जब मैं 9वीं क्लास में था, हमारे एक शिक्षक जो हिंदी पढ़ाते थे, उन्होंने यूपीएससी के बारे में बताया था। उसके बाद एक भाई जो दिल्ली जाकर तैयारी कर रहा था,
से समझने का मौका मिला कि कैसे कोई एग्जाम होता है जिसकी तैयारी दिल्ली में बेहतर होती है। तो सभी चीज का सम्मिलित योगदान है कि एक आदर्श सपना बनो कला, और परिवार ने, मित्रों ने, स्कूल ने, शिक्षकों ने प्रेरित किया और इसका रिजल्ट रहा कि एक सफल विद्यार्थी और एक सफल अभ्यर्थी यूपीएससी का। विजुअली अगर किसी को प्रेरणा देना हो सर इसके लिए कि कोई एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको आप इसके लिए प्रेरणा मानते हो कि आप आईपीएस बने और एक सफल इतने बेहतर आईपीएस बने, तो आप उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे सर? अब बिल्कुल, हम लोग जब एनपीए में ट्रेनिंग ले रहे थे तो उस समय हमारे जो ट्रेनर डीजी थे के विजय कुमार, जिनको पूरा देश जानता है वीरप्पन को लेकर के, और सेवा के बाद भी उन्होंने कई एक आदर्श स्थापित किए, कई एक क्षेत्रों में सेवा की, अभी भी सेवा कर रहे हैं, मेरे वो आदर्श हैं। और मैं बच्चों से कहूँगा कि आप उनके बारे में पढ़िए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आईपीएस क्या होता है। सर एक सबसे बड़ी बात कि जैसे जिस तरीके के सपने आंखों में पले, उसके बाद प्रेरणा मिली, फिर उसके बाद लोग आदर्श मिलते गए और धीरे धीरे कारवा बनता गया और आप ऐसे ही मतलब आगे ऊंचाई को छूते चले गए। आईपीएस बनने के बाद, चूंकि आईपीएस बनने के बाद आप एक अच्छे विद्यार्थी रहे होंगे, एक अच्छे विद्यार्थी थे भी, और उसके बाद प्राथमिकताएं अलग थी, आईपीएस बनने के बाद प्राथमिकताएं बदली, जिस तरीके से समाज में जुड़ने का मौका मिला, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला, तो वैसी क्या क्या प्राथमिकताएं थी आपकी जो आईपीएस बनने के पहले आपने देखा था कि आईपीएस बनने के बाद सबसे पहले हमको ये काम करना है, तो ऐसी कोई प्राथमिकताएं तो आपने तय करी? देखिए, प्राथमिकताएं व्यक्ति के अंदर होता है। मैं बहुत खुल करके बोलना चाहता हूं कि जब इस सेवा में सेलेक्ट हुआ और आईपीएस मिला तो तभी जुवान से ही, लेकिन परिवार में और मित्रों में था कि एक अटेम्प्ट और दीजिए और आईएएस बनने की कोशिश करिए। तो अंदर से एक चुनौती मिली कि लोग हैं जो मेरे व्यक्तित्व को शांत और गंभीर मानते थे और उनको लगता था कि नहीं यार, पुलिस सेवा में थोड़े से रास होना चाहिए, गुस्से वाला होना चाहिए। मैंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया और जब कानून की बातें समझ में आई तो स्पष्ट हुआ कि ताकतवर और फुर्तीला जो भी गुण एक्सट्रैक्ट करता है वो तो हमारे जवानों में होना चाहिए। आईपीएस ऑफिसर ने हाथ का डंडा नहीं, कानून का डंडा होगा, विज्ञान का डंडा सर। सबसे बड़ी बात कि आप आईपीएस हुए, आईपीएस के बाद आपका काम कुछ इस तरीके का था जिसके बाद फिर आप सीनियर आईपीएस भी हुए, आपकी प्रोन्नति हुई, धीरे धीरे ये कारवा ऐसे ही आगे चलता रहा। एक सीनियर आईपीएस बनने के बाद की प्राथमिकताएं थोड़ी सी अलग हुई, चूंकि आप उन बहुत सारे लोगों कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल के आए, उसके बाद की प्राथमिकताएं थोड़ी बदली होंगी, प्रायोरिटीज बदली, क्या था वो? अब बिल्कुल प्राथमिकताएं बदली। जब शुरू में जब सेवा में आए तो पुलिस का कोई बैकग्राउंड नहीं था तो चीज़ों को समझा। जब अलग अलग पोस्टिंग हुई, कभी नक्सल एरिया में पोस्टिंग हुई, कभी क्राइम इन्फेस्टेड एरिया में पोस्टिंग हुई, कभी सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थानों में पोस्टिंग हुई, तो जब भी पोस्टिंग हुई प्राथमिकताएं बदली और उसी के अनुसार है जो सीखने का मौका मिला। तो ये तो समय और स्थान है जो एक आईपीएस अधिकारी का प्राथमिकता को बदलता है, जो मेरे साथ भी हुआ। एक बहुत बड़ी चीज़ है सर, इससे पहले आप मतलब बेगूसराय थे, बेगूसराय में आप मतलब बैजे आईपीएस काम कर रहे थे और उसके बाद मुजफ्फरपुर आना हुआ आपका, क्योंकि मुजफ्फरपुर से जुड़ाव आपका पहले भी रहा है और यहाँ की सारी चीज़ों को आप पहले से भी समझ रहे थे। तो सबसे बड़ी बात कि मुजफ्फरपुर में जिस समय आपका आगमन होता है, जिस समय मुजफ्फरपुर आप आते हैं, उस समय मुजफ्फरपुर का माहौल कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं था, क्योंकि लगातार चीज़ें घटित हो रही थी। उसके बाद आपको क्या लगा यहाँ आने के बाद, सबसे पहले आपने किन चीज़ों पर काम करना शुरू किया? देखिए, मैंने इसको एक बहुत ही नॉर्मल
पोस्टिंग के रूप में ली, और मैं खुश हो गया कि मैं वैसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर दो बार पहले भी रह चुका हूँ। मेरी पुलिसिंग की एबीसी की स्टार्ट यहीं से हुई है, मैं यहीं पर ट्रेंड हुआ हूँ, और दोबारा सिटीएसपी के रूप में काम करने का मौका मिला। तो यह स्पष्ट था कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, बहुत ही जागरूक हैं और बहुत ही मुखर हैं। इस तरह की पुलिस की योजनाएं हैं जिस पे आगे काम हो सके। देखिए, जब मुजफ्फरपुर का, जब आप आर्थिक राजधानी कहते हैं बिहार का, तो इसको पूरी तरह से देखना पड़ेगा कि जब अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो उसके कई एक दुश्मन होते हैं। नंबर वन कि सामान्य रूप से माहौल जो होना चाहिए, जो स्वच्छ होना चाहिए और भयमुक्त होना चाहिए, तो इसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है वो है जो साइबर क्राइम का आज के डेट में है, धोखाधड़ी का है, अमानत में ख्यानत का है, और फिस्कल डिसिप्लिन का है। जो बैंकिंग फ्रॉड की बातें सामने आती है, तो इसको है जो देखना पड़ेगा हमको, एक अवेयरनेस प्रोग्राम कि आप बैंकिंग करते हैं तो किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाएं, इसको हम लोगों को कराना होगा। और एटीएम से लेकर के आपके जो दुकानों में हम लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, सभी चीज पर है जो फोकस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई ऐसे अपराध ना हो जिससे है जो व्यापारिक संवर्ग है जो आहत हो जाए, उनमें है जो हतोत्साहित ना हो, इसको हमको देखना पड़ेगा। कई इसलिए हमने एक प्रायोरिटी के तहत चैम्बर्स के लोगों से मुलाकात किया, उनके प्रतिनिधियों से मिले, और उनको स्पष्ट कह दिया कि आप शुरू में ही है जो माइल अपराध को नहीं सहन करें। कई एक बार होता है कि व्यापारी सोचता है कि क्यों हम झंझट में बोले पड़े, छोटी सी तो धमकी दी है, इसकी मांग को पूरा कर देते हैं। लेकिन नहीं, यही है जो छोटी सी मांग को पूरा करने के चक्कर में मांगने वाला बड़ा हो जाता है, इनकरेज कर जाता है। तो हमने बोला कि नहीं, आप है जो टेली बेसिस पर चीज़ों को है जो पुलिस अधीक्षक को बताएं, अपने थानेदार को बताएं, ताकि शुरू से ही हम एक है जो टाइट माहौल बना करके रखें। और व्यापारिक राजधानी जब होता है तो उसके ट्रैफिक सिस्टम अच्छे होने चाहिए। सरयगंज टावर और आसपास सुतापट्टी में व्यापार ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे अन्य जगह भी पूरे व्यापार हो रहे हैं, लेकिन अगर ये जगह है जो अगर हमेशा जाम रहे तो सामान खरीदने वाला जीरो माइल से ही लौट जाएगा, क्योंकि वहाँ तो जाम रहता है, तो इसका व्यापार तो अपने ही आप चौपट हो जाएगा। मेरा अगला सवाल सर बिल्कुल वही आ रहा है, जैसे ट्रैफिक सिस्टम की बात होती है, अतिक्रमण की बात होती है, क्योंकि ट्रैफिक सिस्टम तब तक अधूरा है बिल्कुल, तो जब तक अतिक्रमण मुक्त ना हो जाए, क्योंकि सड़कें हैं यहाँ, मान लीजिए चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, अगर अतिक्रमण युक्त हो तो वैसे केस में जो है वो ट्रैफिक सिस्टम बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। जिस तरीके का आपका प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन अतिक्रमण पे भी थोड़ा सा फोकस करना होगा हमें, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये देखा जाता है कि व्यवस्थित जब तक वो लोग नहीं होते तब तक फिर से अतिक्रमण, मतलब अतिक्रमण मुक्त करने के थोड़ी देर बाद अतिक्रमण फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो इस पे क्या करना चाहिए हमें और किस तरीके से काम करना होगा आगे? देखिए, अभी बहुत ही सुखद संयोग है कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में शुमार है और उसकी योजनाएँ भी लागू हो रही है। पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। पूरे शहर में जगह जगह पार्किंग के को चिन्हित करना पड़ेगा और उसको डेवलप करना पड़ेगा, और दूसरा है कि आवश्यक जगहों पर हो सके तो वार्ड वाइज वेंडिंग जोन बनाना पड़ेगा, जहां पर ग्रोसरी के सामान, मीट मछली जो भी बेचना है उसको वहां पर लगाएं। अगर स्मार्ट सिटी के तहत है ये चीज़ें आ जाती हैं, तो बाकी है पुलिस है जो सड़कों से जो अस्थाई अतिक्रमण है
और अस्थाई अतिक्रमण है वो तरीके से हटा देगी। तो इसमें है जो पुलिस का, नगर निगम का और सामान्य प्रशासन का, बिल्कुल करना पड़ेगा कि अगर है जो सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए, ट्रैफिक को स्मूथ कराने के करने के लिए अगर पुलिस है जो इसको अतिक्रमण को हटाती है, तो इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, लोगों को कॉपरेट करना चाहिए। अगर इस टोन में हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से समस्याएं हल होना शुरू हो जाएगी। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शहर को स्मार्ट सिटी के उन नामों में शुमार किया गया है जहां शहरों को और बेहतर बनाया जाता है, स्मार्ट सिटी के लिए सबसे ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है, जिसके लिए पब्लिक अवेयर हो, लोग स्मार्ट हो, स्मार्ट सिटी खुद ब खुद धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। उसका प्राकलन जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है, लोगों को स्मार्ट बनाने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम की बात जैसे आपने करी बैंकिंग फ्रॉड से बचाने के लिए, क्या लोगों को हम इसके लिए स्मार्ट नहीं बना सकते कि ट्रैफिकिंग वगैरह जो है उस वो बेहतर हो, जिस तरीके से मतलब अतिक्रमण हो तो उसके लिए लोगों को अवेयर किया जाए, इसके लिए क्या कुछ प्लान आगे भविष्य में इस तरह की कोई योजनाएं हो सकती हैं क्या? बिल्कुल है एक योजना हम लोग को और उसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे अभी ट्रैफिक में आते ही हम लोगों ने संसाधन मांगे और मिल भी गया, करीब 8 लाख रुपये मुझे मिले हैं, इसकी व्यवस्था हम लोग कराएंगे। अभी एक स्टिकर्स बनाया गया है जो कि चिपकने वाला होगा, जिनके जिनके बाइक है जो रॉन्ग पार्क्ड होगा या आड़े तिरछे पार्क होगा, पुलिस पहले वो स्टिकर लगा देगी उस पर। ये अभियान 2-4 दिनों तक चलेगा, आप लोग उसको कवर करेंगे मीडिया में, माइकिंग भी हम लोग कराएंगे और उसके बाद हम लोग है जो हार्श एक्शन लेंगे जिसमें पेनल्टी भी होगी और वाहनों की जब्ती भी होगी। तो हमको लगता है कि ये संवाद से और एक्शन से ये माहौल में तब्दीली आएगी। लेकिन जो चीज़ शुरू होती है ज़रूरी नहीं है कि 5 महीने तक उसी इंटेंसिटी में ड्राइव चलाए, तो इसके लिए स्मार्ट सिटी में लोगों को अपने बिहेवियर में तब्दीली लानी पड़ेगी। आजकल हर एक कोई पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, हर एक शहरी को समझना होगा कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं उससे कहीं किसी को बाधा तो नहीं हो रही, ट्रैफिक जाम तो नहीं हो रही। जो चीज़ हम दूसरों को देते हैं हम ये सोचें कि अगर वो हमारे साथ हो तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, कहीं ऐसी चीज़ें हम लोगों के साथ जो बिहेव करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी तो बिल्कुल है कि एक अवेयरनेस के बाद में एक शक्ति भी आवश्यक है जो कि पुलिस करेगी। चूंकि मुजफ्फरपुर जिला सर ज्योग्राफिकल रीजन से भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा, चूंकि दूसरे जिले से जिस तरह का जुड़ाव है इनका, संस्कृतियों का मिलन है कह सकते हैं हम इधर, क्योंकि चंपारण की एक धरती है जो मुजफ्फरपुर से मिलती है, दूसरी तरफ हम यूँ देखें तो मतलब गंगा का एक दूसरा तट है छपड़ा से मिला हुआ, तो संस्कृतियों का मिलन है। मुजफ्फरपुर का अपना एक इम्पॉर्टेंस बहुत बड़ा है, इसका महत्व बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, एक बेहतर पुलिसिंग देना आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ का जो आसपास का इलाका है, जैसे हम कह सकते हैं कि जो भी बाउंड्रीज हैं यहाँ चारों तरफ, उन बाउंड्रीज को बेहतर बनाना, उसको और सुदृढ़ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है पुलिसिंग के लिए। उसकी योजना बन चुकी है, आप देखेंगे, चूंकि सिक्योरिटी का प्लान है इसलिए हम उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन त्रिस्तरीय सुरक्षा प्लान बन चुका है और उसका अमल भी शुरू हो गया है कि 5-6 जिलों से इसकी सीमाएं मिलती हैं और जो भी मुख्य सड़क हैं या उसके जोड़ने वाले जो सड़क हैं वो बॉर्डर पर ही एक चेकिंग की व्यवस्था कर दी गई है, और दूसरी जो लाइन है हमारी चेकिंग और नज़र रखने का वो है जस्ट शहर के बाहर, और तीसरी लाइन है जो शहर के बीच में है। जब ये सिक्योरिटी प्लान ऑपरेशनल होता है तो ये पूरे ज़िले में कोई अपराध का चांस उसमें कम हो जाता है, और अगर करेंगे भी तो पकड़े जाएंगे। और अभी आपने देखा होगा कि लगातार है जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तो इसी त्रिस्तरीय सुरक्षा प्लान को ऑपरेट करने के क्रम में पकड़े जा रहे हैं, तो ये लगातार जारी रहेगा। ये हमारे लिए ये अच्छी बात है कि ये हम है जो संस्कृतियों के संगम पर बैठे हुए हैं और ये वज्जिका की धरती है और बहुत सुंदर शहर है। मैंने देखा है, मैं 8 साल पहले इस शहर में था और आज दोबारा आया हूँ, तो मैंने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं।
मैं यहाँ के शहरियों को, यहाँ के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तमाम आशंकाओं के बीच, कभी कभी बीच बीच में जो असुरक्षा की भावना आ जाती है, उसके बीच भी अगर आपका शहर विकसित हो रहा है तो ये गर्व की बात है। लेकिन आप एक मिनट के लिए ठहर के सोचें कि अगर सब मिल करके इसमें कभी भी है जो संकट के बादल अगर आने ही नहीं दे तो कितना विकास होगा, आप समझ लीजिए। इसलिए हर एक जागरूक व्यक्ति को, एक व्यक्ति के रूप में नहीं सोच करके, शहर को और जिले को अगर हम प्राथमिक प्रथम स्थान दें कि हम तो ठीक हैं, जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन हमारा अगर शहर और जिला प्रगति करेगा, इसके माहौल अच्छे होंगे, अगर उसमें थोड़ा सा भी योगदान अगर हम देते हैं तो हमको लगता है कि जो 10 साल में परिवर्तन होता है वो 1 साल में होगा। सर, कह सकते हैं हम कि गंगा जमुनी तहजीब का अपना यह शहर, जहां एक तरफ बाबा गरीबनाथ धाम है, वहीं दूसरी तरफ दाता कंबल सा मजार भी है, तो ये शुरू से ही एक, मतलब पूर्वजों के द्वारा सौंपी गई एक बहुत बड़ी संपत्ति है हमारे लिए, तो इस संपत्ति को ऐसे ही हम लोग कायम रखें, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है जिस तरीके से हम लोग आगे काम कर रहे हैं। भविष्य की बहुत सारी योजनाएं भी हैं जिसके बारे में आपने जानकारी भी दी कि पुलिसिंग एक तरह का भरोसा है लोगों के लिए, जो आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी, अनवरत जारी रहेगी, और लोग भी इस तरीके से अपने आप को बिल्कुल भयमुक्त होकर अपने काम को अपने सही अंजाम दे सकें, लोग बिल्कुल उस तरीके से काम करें जैसा वो कर सकते हैं, अपने पूरे एफर्ट को वो टच करें ताकि अपनी अपने विकास, अपने जिले के विकास और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग को बेहतर भविष्य देने की बात कर रहे थे। सर, एक बहुत बड़ी बात कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले टाइम में, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो परिवर्तन चूंकि होता रहता है और होगा भी, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा हम सब के लिए आने वाले टाइम में विकास की इस रफ्तार में, स्मार्ट सिटी की तरफ जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो वहाँ पोल्यूशन को थोड़ा और स्ट्रांग भी करना पड़ेगा जिसके लिए हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, अभी इसी महीने से जो अपराधग्रस्त थाने हैं, वैसे थाने जहाँ पर प्रतिवर्ष 250 से ज़्यादा केसेस दर्ज होते हैं, उन थानों में हम लोग ने अपराध और अनुसंधान, यानी विधि व्यवस्था और अनुसंधान की अलग अलग टीमें बनानी शुरू कर दी, और इसी महीने से ये लागू होगा। खास करके जो हिनस क्राइम होते हैं उसकी जांच है जो एक विशेष टीम के द्वारा किया जाएगा। तो आप मान के चलें कि जब भी कोई बड़ी घटना घटेगी तो उसका अनुसंधान स्पेशलाइज टीम करेगी, तो इससे है जो परिवर्तन आएंगे और जो हमारी जो चुनौतियां हैं स्मार्ट सिटी की, डेवलपमेंट की, उसको हम लोग मीट कर पाएंगे। जिस तरीके से सर आपने लोगों को भरोसा दिया है, जिस तरीके से लोग भयमुक्त होके जी सकते हैं, अपने शहर में रह सकते हैं, वहां अपने उस सभी चीजों को अंजाम दे सकते हैं जो वो चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे न्यूज चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंत में चलते चलते सर आपके लिए लिखी गई मैं कुछ कविता की पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ जो आपको समर्पित है सर। जिनके कंधों पर भार रखा जन जन की अभिलाषाओं का, जिनके कंधों पर भार रखा जन जन की अभिलाषाओं का, जो धरती पर अपवाद बने मानव की परिभाषाओं का, जो तुम्हें सुरक्षित रखने को खुद रात रात भर न सोते, जो तुम्हें सुरक्षित रखने को खुद रात रात भर न सोते, जो सबकी खुशियों की खातिर खुद की खुशियां सुलगाते हैं, वो वर्दी वाले कहलाते हैं। देखा आपने जिस तरीके से, ये थे हमारे साथ शहर के सीनियर SP मनोज कुमार जी, और जिस तरीके से इन्होंने शहर के लिए जितनी बहुत सारी प्लानिंग्स बताई और जिस तरीके से एक भयमुक्त माहौल में लोग जी रहे थे, उसके आगे पूरी तरह से कह सकते हैं कि भयमुक्त माहौल को और आगे ले जाने के लिए, जहां लोग बेहतर तरीके से जी सकते हैं, अपने जो भी रोजी रोजगार है उसको बेहतर बना सकते हैं, अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए इनके पास बहुत अच्छे प्लान्स हैं, सबसे बड़ी बात कि ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर कंट्रोल करने की बात इन्होंने करी, और हम ये कह सकते हैं कि एक सुरक्षित भविष्य मुजफ्फरपुर शहर को इनके नेतृत्व में मिलने वाला है और मिल भी रहा है, और हम आशा करते हैं कि ये सुरक्षित भविष्य यूं ही अनवरत जारी रहे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आज के लिए नमस्कार।